हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको द एन्चेंटेड पूल, चमत्कारी तालाब, कक्षा 10, सब्जेक्ट इंग्लिश, प्रोज का पहला चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल, चमत्कारी तालाब, जिसके राइटर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी हैं। तो इसमें चमत्कारी तालाब में यह कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और पांडव लोग वनवास में गए थे, तो वहाँ पर पांडव द्रौपदी को प्यास लगती है, तो युधिष्ठिर क्या काम करते हैं, अपने भाइयों को पानी लाने के लिए भेज देते हैं। तो उनके भाई जाते हैं पानी लेने के लिए और आते नहीं हैं। उसके बाद युधिष्ठिर चिंता और व्याकुल से उनकी प्रतीक्षा करते हैं, तो उसी की कहानी इसमें दिया है। तो चलिए हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ दिया है ना, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर, वेटेड माने प्रतीक्षा कर रहे थे, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की, इन एग्जाइटी एंड थर्स्ट, प्यास और व्याकुलता के कारण वो मन में सोच रहे हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे ग्रसित हो गए टू ए कर्स, श्राप से, और आर दे स्टिल वांडरिंग, अथवा अब भी भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए और डाइड, अथवा मर गए ऑफ थर्स्ट, प्यास से, अनेबल टू बियर दीज थाट, इन विचारों को न सहते हुए, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास को व्याकुलता के कारण ही गिव अप, वह छोड़ दिए। वेटिंग माने होता प्रतीक्षा करना, एंड माने और, स्टार्टर माने शुरू कर दिए, आउट टू लुक माने बाहर देखना, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, एंड द पूल और तालाब को, होपिंग माने इस आशा से, कि दैट माने कि ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, हिज ब्रदर्स, जिधर उनके भाई, एंड हैड टेकन, मतलब गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, वह टहलते हुए जा रहे थे, थ्रो ट्रैक फुल, जिस रास्ते से फुल माने भरा हुआ था, आप है वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरनों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी जंगली चिड़ियों से, टिल तब तक ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन, तब तक वह एक सुंदर चारागाह में आ गए, मीडे उचारागाह में, अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके बीचों बीच एक स्वच्छ सुंदर तालाब था, स्वच्छ जल से भरा हुआ तालाब था, बट माने लेकिन, वेन माने जब, ही माने वह, सा माने देखे, हिज माने अपने, ब्रदर्स माने भाइयों को, लाइंग माने पड़े रहे, देर लाइक फ्लैग पोस्ट, मतलब होता है दंडवत के समान या अकड़ी हुई शरीर में, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने कष्ट को सहन ना कर सके, ही लिफ्टेड, वह छोड़ दिए हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को, एंड वेप्ट, और रोने लगे, ही टचड, उसने स्पर्श किया, द फेस ऑफ भीम, भीम को, एंड अर्जुन, अर्जुन के चेहरे को, एज दे ले सो स्टिल, जैसे वे पड़े रहे, साइलेंट एंड मॉर्ड, मतलब शांत और गंभीर होकर, वॉच दिस, क्या यही टू बी द एंड, अंत था, ऑफ ऑल आवर ओज, ओज मतलब हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का, जस्ट व्हेन, जब तुरंत, आवर एग्जिल, हमारा वनवास, इज अबाउट टू एंड, समाप्त होने वाला हो, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे छीन लिए गए हो, इवन माने प्रायः, द गॉड्स माने भगवान, हैव फॉर सेकेन माने दुर्भाग्य में, मी माने मेरे, इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि देवताओं ने भी दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया है, मतलब युधिष्ठिर कहते हैं, इवन माने प्रायः, यहाँ तक कि द गॉड्स माने देवता, हैव फॉर सेकेन माने छोड़ दिए हैं, मी माने मेरा, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में, मेरे दुर्भाग्य में देवताओं ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, आज माने जे ही, जैसे ही माने वह, लुक्ड माने देखे, एट दियर माइटली लिम्स, उनके सूखे हुए ओठ को, नाउ माने अब, सो हेल्पलेस, जो निसहाय पड़े थे, ही सैडली माने वह दुखी मन से, वांडर वह दुख प्रकट किए, हु कूड हैव बीन पावरफुल इनफ, मतलब कौन इतना पर्याप्तशाली हो सकता है टू किल देम, जो इन्हें जान से मार दे,
देन तब ही माने वह, टू माने डिसेंडेंट माने होता उतरे, टू डिसेंडेंट माने उतरे इनटू ए पोल, इनटू पोल तालाब में, ड्रान माने खींचे टू द वाटर पानी को, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट अपनी प्यास बुझाने के लिए, एट वंस तुरंत, द वॉइस माने आवाज़, विदाउट माने बिना, फ्राम वार्न मतलब बिना आकार की आवाज़ ने चेतावनी दिया, योर माने तुम्हारे, ब्रदर्स माने भाई, डाइड माने मारे गए, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स उन्होंने मेरे प्रश्नों मेरे शब्दों को नहीं सुना, दे ट्राइड टू ड्रिंक वे प्रयास किए वाटर पानी पीने का, विदाउट माने बिना, आंसर माने उत्तर दिए, माई क्वेश्चन माने मेरे प्रश्नों का, डू नॉट फॉलो देम तुम उनका नकल मत करना अनुसरण मत करना, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड और देन माने तब, यू कैन क्वेंच तुम बुझा सकते हो योर थर्स्ट अपनी प्यास, दिस पूल यह तालाब बिलोंग्स टू मी मेरा है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट इस बात को समझने में, युधिष्ठिर एक क्षण का समय नहीं लिए, दैट ज्यो जैसे दीज कूड बी नन अदर कोई और नहीं हो सकता, दैन द वर्ड्स ऑफ यक्ष यह शब्द यक्ष के अलावा किसी और के नहीं हो सकते, एंड गेस्ट और अनुमान लगा लिए कि व्हाट हैड हैपेंड क्या घटित हुआ है टू हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ, इट टुक हिम नो टाइम वह एक भी क्षण का समय नहीं लिए, टू सी ए पॉसिबल वे उनको एक संभव रास्ता दिखाई देने लगा, ऑफ ब्रिंगिंग वापस लाने के लिए, देम बैक टू लाइफ उनका जीवन, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस वह आकार विहीन आवाज से कहे, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस कृपया अपना प्रश्न पूछिए, द वॉइस माने आवाज, पुट माने रखा, क्वेश्चन माने प्रश्नों को, रैपिडली माने तेजी से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा, अब प्रश्न कर रहा है यक्ष जो है प्रश्न कर रहा है, वाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर आदमी को खतरे में क्या बचाता है, युधिष्ठिर ने आंसर दिया साहस, युधिष्ठिर ने आंसर दिया साहस, बट द स्टडी बाय द स्टडी अध्ययन करके, ऑफ विच साइंस विज्ञान डज मैन बिकम वाइज क्या कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता हो सकता है, आगे देख, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र ना ही कोई शास्त्र पढ़ने से, डज मैन बिकम वाइज कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, इट इज बाई एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन वाइजडम दैट इज ही गेट्स वाइजडम, केवल वह एसोसिएशन से ही कोई व्यक्ति महान और बुद्धिमान होता है, या एक अच्छे विचार से आचरण से कि वह व्यक्ति क्या होता है बुद्धिमान होता है, द यक्ष आस्क्ड यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड हवा से अत्यधिक तेज कौन चलता है, तो इन्होंने कहा माइंड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड, फिर यक्ष ने कहा व्हाट इज मोर फेडर दैन ड्राइड स्ट्रा कि एक सूखे तिनके से भी अत्यधिक सूखा क्या होता है, तो ये सारो स्ट्रिकन हर्ट युधिष्ठिर ने कहा दुख से पीड़ित हृदय तिनके से भी अत्यधिक सूखा होता है, व्हाट बी फ्रेंड्स एट ऑल यात्रा के समय आपका मित्र कौन होता है, तो इन्होंने कहा लर्निंग मतलब शिक्षा, तो हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम जब आपके न रहने पर आपका मित्र कौन होता है जो आपके घर रुकता है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया वाइफ मतलब पत्नी, हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ आदमी के साथ मरने के साथ कौन जाता है, धर्म, दैट एलोन कंपनीज जो अकेले कंपनी माने साथ में, द सोल माने आत्मा के, इन इट्स सोलिटरी जाता है जर्नी माने यात्रा करते हुए, आफ्टर डेथ माने मरने के बाद, अब अगला क्वेश्चन है विच माने कौन इज द बिगेस्ट वेसल इस संसार में सबसे बड़ा क्या है या कौन सा बड़ा बर्तन है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द अर्थ पृथ्वी, विच कंटेंस जो समाहित की हुई है आल माने सभी विद इन इटसेल्फ अपने स्वयं आप में इज द ग्रेट वेसल यही सबसे बड़ा बर्तन है, व्हाट इज हैप्पीनेस प्रसन्नता क्या है यक्ष पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट जो प्रसन्नता होती है वो अच्छे आचरण का परिणाम होती है, व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप क्या छोड़ देने से विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल आदमी सबका प्रिय हो जाता है, युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं प्राइड, प्राइड माने होता है घमंड, फार इफ माइन यदि कोई व्यक्ति गिव अप माने छोड़ दे, बींग माने प्राउड घमंड होना, ही विल बी लव्ड बाई ऑल वह सबका प्रिय हो जाएगा प्रेमी, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो क्या खो जाने से कोई व्यक्ति आनंद प्राप्त होता है दुख नहीं, तो चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं, आगे देखिए यहाँ से एंगर क्रोध इफ वी गिविंग अप बींग एंग्री यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो तो हम क्या काम करेंगे
वी माने हम विल नो लांगर लंबे समय तक बी सब्जेक्ट टू सारो दुख नहीं रह सकते। व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप क्या छोड़ देने से विच मैन बिकम्स रिच आदमी धनवान हो जाता है। डिजायर इच्छा इफ यदि मैन गिव अप बींग ग्रेड यदि आदमी लालच करना छोड़ दे ही विल बी बिकम वेल्दी तो वह धनवान हो जाएगा। आगे देखिए व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण एक वास्तविक ब्राह्मण क्या बनता है कौन बनाता है कौन होता है। इट इज बर्थ जन्म से गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से और लर्निंग अथवा शिक्षा से। आंसर डिसेबली विस्तार से उत्तर संक्षेप में उत्तर दे दिए छोटे में। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण आदमी को जन्म और शिक्षा से एक आदमी ब्राह्मण नहीं बनता। गुड कंडक्ट अच्छे आचरण एलोंडज केवल बनाते हैं। हाउ यू माने इस प्रकार लर्न माने सीखा ए पर्सन माने एक व्यक्ति मे बी विल नॉट बी ब्राह्मण एक पढ़ा लिखा आदमी ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े इवन माने प्रायः दो माने यद्यप ही मे बी लर्न वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। इन द फोर वेद चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो ए मैन एक आदमी ऑफ बैड कंडक्ट बुरे किस्म का फॉल्स माने गिरता है टू ए लोअर क्लास निम्न श्रेणी में। व्हाट इज द ग्रेट वंडर इन द वर्ल्ड संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं एवरी डे प्रत्येक दिन मैन माने आदमी सी माने देखता है क्रिसेस माने प्राणियों को डिपार्ट माने जाते हुए या प्रस्थान करते हुए टू यम्स किंगडम यमराज के राज्य में एंड एट और फिर भी दोज हु रिमेन्स वह बनाए रखता है वांट टू लिव फॉर एवर यहाँ जीवित रहने का। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस इस प्रकार दक्ष माने यक्ष पुट माने रखे मैनी के उससे माने अनेक प्रश्न एंड युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर आंसर माने उत्तर दिए देमाल सभी प्रश्नों का। इन द एंड अंत में द यक्ष आस्क यक्ष ने पूछा ओ किंग ए राजा वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स मरे हुए आपके भाइयों में से कैन नाउ बी रिविड केवल एक ही भाई जीवित हो सकते हैं। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ तुम पुनः किसे वापस जीवन चाहते हो। युधिष्ठिर कह रहे हैं इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट इस बात को समझने में टू थिंक सोचने में एंड देन ही विश्ड वह इच्छा किए दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्स मेघ वरण वाले लोटस आइड कमल नयन वाले ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाले एंड लॉन्ग आर्म लंबे भुजा वाले नकुल माने नकुल लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री जो आबनुस के पेड़ की तरह पड़े हैं माइट राइज पुनः जीवित हो जाएं। द यक्ष वाज प्लीज यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ एट दिस इस पर एंड आस्क युधिष्ठिर युधिष्ठिर से पूछे व्हाई डिड यू चूज तुमने क्यों चुना नकुल को इन प्रेफरेंस टू भीम भीम के बजाय हु हैज स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर मैंने सुना है दैट की भीम इज मोस्ट डियर टू यू भीम आपको बहुत प्रसन्न है प्रिय हैं एंड व्हाई नॉट अर्जुन और अर्जुन को क्यों चुने तुम हुज स्ट्रेंथ जिनकी शक्ति इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन जिनकी भुजाओं में तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी मुझे बताओ व्हाई यू चूज नकुल तुमने नकुल को क्यों चुना रादर देन आइदर ऑफ दिस टू इन दोनों की तुलना में। युधिष्ठिर रिप्लाइड युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ओ यक्ष ए राजा धर्म इज द वनली शील्ड आदमी केवल धर्म सुरक्षा कवच होता है आप मैन आदमी का एंड नॉट भीम और अर्जुन भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म यदि धर्म इज गिवन अप छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी रिंड आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइव्स कुंती और माद्री ऑफ माई फादर कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियाँ थी। आई एम एलिव ए सन ऑफ कुंती मैं कुंती के रूप में जीवित हूँ एंड सो और इस प्रकार ही इज नॉट कम्प्लीटली ब्रेव इस प्रकार वह पूरी तरह से दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल जैसा ऑफ जस्टिस जैसा कि न्याय तराजू कहता है कि मे बी इवन हमेशा समान होना चाहिए। आई आस्क दैट माद्री सन मैं माद्री के पुत्र को मांगा हूँ नकुल को मेरी वाइफ पुनः जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्रिय यक्ष बहुत प्रसन्न हुए युधिष्ठिर से इम्परेटली एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स और उनके भाइयों को सभी को वुड कम बैक टू लाइफ वापस जीवित जीवन दान दे दिए। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ दिथ यह मृत के राजा यमराज थे हु हैड टेकन फ्रॉम द यक्ष जो यक्ष का रूप धारण किए थे सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उनसे मिल सके एंड टेस्ट हिम और उनकी परीक्षा लिख सके ले सके। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर वह युधिष्ठिर से प्रभावित हुए एंड ब्लेस्ड और उनको आशीर्वाद दिए हिम उनको देन ही डिसअपीयर्ड तब वह गायब हो गए।